नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हो? जैसे कि मुझे लगता है बहुत ही अच्छे होंगे, और आपने आज बहुत सारा प्रॉफिट ज़रूर कमाया होगा मार्केट से। कल मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो जो स्टॉक मैंने दिया था उन उन स्टॉक पे एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। आपने बहुत ही अच्छा पैसा कमाया है। आज का थंबनेल आपको देखो पता चला होगा, कल जो मैंने कहा था, कल जिसमें प्रॉफिट आपको मिला था उसी स्टॉक में आज भी मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। वो दावा के साथ मैंने आपको लेबल्स दिए थे। हर किसी ने एक अच्छा अच्छा प्रॉफिट जरूर मार्केट से कमाया होगा। तो फ्रेंड, मैं आपको जो भी स्टॉक देता हूँ, हर एक स्टॉक पे आपको एक बड़ा प्रॉफिट जरूर मिले, इसी उम्मीद से आपके लिए मेहनत करता हूँ और आपके लिए उन लेबल्स लेके लाता हूँ जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से मिल सकता है। इसीलिए फ्रेंड, मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, और आपको जो भी लेबल देता हूँ उन लेबल्स के ऊपर आप ट्रेड कीजिए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो, काइंडली मेरे चैनल को लाइक आप बाद में कर लीजिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब करना आप भूल जाएंगे, हो सकता है जो भी प्रॉफिटेबल वीडियो आपके लिए मिलाऊँ वो आप मिस कर दो। और वीडियो देखने के बाद आप एंड में मेरे चैनल को लाइक करके ज़रूर आप एग्जिट हो जाइए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं बहुत सारा वीडियो लाऊंगा। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तुरंत आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो भी वीडियो आपको मैं चैनल के द्वारा अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आपको जरूर मिले। और साइड में जो बेल आइकन है उसको आप ऑल पे प्रेस कर लीजिए, और जो भी लेवल्स देता हूँ काइंडली उन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड लीजिए। क्योंकि मार्केट में अगर पैसा कमाना चाहते हो तो लेवल्स के ऊपर आप काम कीजिए, क्योंकि मार्केट से एक ही इंसान पैसा निकाल सकता है जो एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है, वही इंसान मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकता है। तो फ्रेंड्स, कल मैंने कुछ स्टॉक आज के लिए मैंने दिए थे, चलिए देखते हैं उन स्टॉक में आज मार्केट में कैसा मोमेंटम हुआ है और कौन सा स्टॉक में कितना प्रॉफिट मिला होगा। आप वो चीज़ खुद कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हो। चलिए पहले देखते हैं हमने जो जो स्टॉक आपको मैंने दिए थे उन स्टॉक के ऊपर कैसा एक रिव्यू लेते हैं। आपको पहला एक स्टॉक मैंने दिया था इंडसइंड बैंक पे, और इंडसइंड बैंक का आपको मैंने सपोर्ट बताया था 444 का, 444 का सपोर्ट बताया था, और रेसिस्टेंस बताया था मैंने 453 का। आपने एग्जैक्टली देखा होगा मार्केट ने 452.35 का सपोर्ट लिया, यानी कि हमारे रेसिस्टेंस पॉइंट के ऊपर, यानी कि थोड़ा एक पॉइंट नीचे, तो एग्जैक्ट ये सपोर्ट पॉइंट बन गया उसके लिए। तो उसके नीचे और नहीं आ पाया उसने 53 के ऊपर, जिसने भी यहाँ पर ट्रेड लगाया होगा। करीबन मैंने पहला टारगेट दिया था 463 का, वो अचीव हुआ। दूसरा टारगेट मैंने दिया था 480 का। तो यहाँ पे आपको नियरेस्ट टारगेट के आसपास मार्केट गया, तो यहाँ पे दो टारगेट आपको मैं दिए थे 463 और 480 का, दोनों टारगेट आपको एग्जैक्ट अचीव हुए हैं। 480 नहीं आया, 478 आया, दो पॉइंट के नीचे मार्केट रुका। तो फ्रेंड, ये होता है लेवल्स, एग्जैक्ट लेवल के ऊपर अगर आप काम करते हो तो मार्केट में आपको प्रॉफिट कमाने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो कृपया मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही लेवल आपके लिए मैं लाऊं, उन लेवल्स के ऊपर आप काम करके प्रॉफिट जरूर कमाएं। चलिए, और एक स्टॉक आपको मैंने दिया था BPCL में। BPCL में आपको मैंने कल क्लियरली बताया था कि हाई आ चुका है, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है। आपको मैंने 387 का सपोर्ट और 398 का रेसिस्टेंस मैंने बताया था, और 398 के ऊपर अगर जाता है तो 405 के आसपास मार्केट आ सकता है। 405 तो नहीं आया, फिर भी 402 का इसने टॉप लगा के वहाँ से करीबन 379 का इसने लो लगाया। तो मुझे बताइए, मैंने जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिया था वो एग्जैक्टली मैच हुए या नहीं हुए? क्योंकि मैंने आपको 405 का टारगेट और नीचे का टारगेट आपको बताया था 376 का। अगर 387 के नीचे आता है मार्केट, 376 का अचीव होगा, 398 के ऊपर जाता है तो 405। तो एग्जैक्ट अगर आप 405 के नीचे से अगर आप सेल करते तो करीबन 398 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 387 का, तीसरा टारगेट आपका आ जाता 376 का। ये होते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ऊपर काम करने का तरीका। तो अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेस पे काम करते हो, मार्केट से प्रॉफिट आप लेके एग्जिट हो सकते हो। क्योंकि मार्केट में अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हो, एक ही चीज़ आपको प्रॉफिट कमा के दे सकता है, वो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अगर इनके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो, जानकारी है, तो मार्केट से कोई भी आप लॉस नहीं हो पाओगे। तो चलिए, और एक स्टॉक आपको मैंने दिया था, उन स्टॉक पे कैसा मूवमेंट हो देखेंगे। UPL का मैंने दिया था 433 का सपोर्ट और 441 का रेसिस्टेंस।
मैंने 441 का रेसिस्टेंस के साथ एक टारगेट दिया था 450, एग्जैक्ट 450 नहीं आ पाया। मार्केट बहुत कोशिश किया 441 के ऊपर सस्टेन करने के लिए, फिर भी 445 का टॉप लगा के मार्केट नीचे आया। जिसने भी अगर रेसिस्टेंस पॉइंट से अगर सेल किया होगा, पहला टारगेट नीचे का सपोर्ट आपका जैसे कि 433 आ जाता और नीचे का आपका इसने 428 का लो लगाया। तो अगर किसी ने भी रेसिस्टेंस से सेल किया होगा, सपोर्ट तक का जो आपको 7-8 रुपया प्रॉफिट या 10 रुपये का प्रॉफिट आपको करीबन आता है, वो एग्जैक्ट आपको इसमें 9-10 रुपये का प्रॉफिट जरूर आपको मार्केट से मिलता। तो ये होते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस, इसके ऊपर आप काम कीजिए, मार्केट में आपको ज़रूर प्रॉफिट होंगे। और एक स्टॉक आपको मैंने दिया था DLF में, चलिए DLF में क्या एग्जैक्ट हुआ है मैंने आपको बताया था, उसी हिसाब से DLF में भी एग्जैक्ट अचीवमेंट आए हैं। तो चलिए पहले देखते हैं DLF का सपोर्ट, नहीं पहले रेसिस्टेंस देख लेते हैं। रेसिस्टेंस इसका था 157 का, मैंने कहा था 157 अगर ऊपर जाता है सस्टेन करता है तो 163 आएगा। मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ कितना में, देखिए DLF का 154 का ओपनिंग के साथ 152 और 53 के आसपास इसने एक लो लगा के ऊपर का जो मेरा रेसिस्टेंस था 157 तक का इसने हिट किया। मैंने एग्जैक्ट कल बताया था 148 से 150 के बीच में एक सपोर्ट पॉइंट रहेगा, तो एग्जैक्ट उसने 152 से 153 के बीच में एक सपोर्ट लिया, वहां से जाके इसने रेसिस्टेंस को हिट किया 157 यानी कि 158 का टॉप लगाया। अगर किसी ने भी वहां से सेल करता रेसिस्टेंस पॉइंट से, करीबन 151.95 का लो लगाया दोबारा, तो यहाँ पे अगर आप बोथ साइड का जरूर आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकता था। इसीलिए मैं कहता हूँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे काम कीजिए, मार्केट में जरूर आपको प्रॉफिट होंगे। कोई भी आपको मतलब मार्केट से प्रॉफिट लेने में आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप अपने ट्रेड के मालिक हो। आप अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेस पे काम करोगे, कोई भी आपके ट्रेड को गलत साबित नहीं कर सकते, प्रॉफिट आप निकाल के ले सकते हो। फ्रेंड अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो, काइंडली कर लीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, आपके लिए ऐसे ही प्रॉफिटेबल वीडियो आगे ला के लाऊँगा। सब्सक्राइब अगर किए हो, नोटिफिकेशन बेल अगर दबाए हो, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आपको वीडियो आपको दिखेगा, आप उस वीडियो को देख के आप ट्रेड लेके फ़ायदा ले सकते हो मार्केट से। अगर लाइक करते हो तो आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं अच्छे और अच्छे स्टॉक जहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिल सकता है वैसा स्टॉक मैं आपके लिए बना के आपको दूँ। तो चलिए कल के लिए हम देखते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, कौन सा ट्रेड हमारे लिए सेफ रहेगा, कहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, बहुत सारा चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। पहला मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस से, हम देखते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस में क्या हो सकता है कल। इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस का सपोर्ट मैं देना चाहता हूँ 141 का, अगर 141 के नीचे का जाता है मार्केट 138 इसका एक टारगेट हो सकता है नीचे का। अगर 138 के नीचे भी अगर सस्टेन करता है तो तुरंत ये 126 तक हिट हो सकता है। दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ 141 का सपोर्ट, नीचे का टारगेट रहेगा 138 और 126, रेसिस्टेंस पॉइंट रहेगा 148, अगर 148 ब्रेक करता है सस्टेन करता है 156 आ सकता है। तो इन दो टारगेट के बीच में ही मार्केट कल घूमेगा, तो कृपया अपना ट्रेड जो है सेफ लिया आप लीजिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस के आसपास से आप ट्रेड लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए और एक स्टॉक आपको देना चाहता हूँ जो कंटिन्यूसली देता हूँ, वही स्टॉक प्रीफर करूँगा इंडसइंड बैंक पे। इंडसइंड बैंक पे आपको क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ आपको। इंडसइंड बैंक का आपका सपोर्ट पॉइंट रहेगा आपका 452, अगर 452 के नीचे सस्टेन करता है तो पहला टारगेट 444 आ सकता है यहाँ पे, और अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता है 427 का दूसरा टारगेट आ सकता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ 452 के नीचे पहला टारगेट 444, दूसरा टारगेट 427 आ सकता है। स्क्रीन के आपको स्क्रीन पे पूरा चीज़ दिख रहा होगा, आप पूरा चीज़ चेक करके या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, ट्रेड लेने में आपको सुविधा आएगी। रेसिस्टेंस रहेगा आपका 465, अगर 465 के ऊपर चलता है पहला टारगेट आज का डे हाई रहेगा 478, अगर उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो 493 ये जरूर हिट कर सकता है। तो उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिए, मार्केट से प्रॉफिट निकाल के एग्जिट होना है आपको। और एक स्टॉक आपके लिए देना चाहता हूँ जो पहले भी दिया हुआ है, अभी भी देना चाहता हूँ वही स्टॉक BPCL पे। BPCL पे अभी भी जान बाकी है, वहाँ पे आपको एक और एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इस पे भी आप ट्रेड ले सकते हो कल। कल के लिए मैं इसका सपोर्ट देना चाहता हूँ आज का डे लो 379, अगर 379 ब्रेक करके सस्टेन करता है 360 डायरेक्ट हीट हो पाएगा,
अगर 360 के नीचे भी सस्टेन करता है 352 इसका टारगेट आ सकता है। और इसका आपका रेसिस्टेंस पॉइंट रहेगा 390 का। अगर 390 अगर सस्टेन करता है मार्केट ऊपर 405 तक का ये दोबारा हिट हो सकता है। तो पूरी जानकारी वीडियो के स्क्रीन पे दिया हुआ है, कृपया आप चेक कर लीजिए। BPCL का आज का सपोर्ट रहेगा 379 और रेसिस्टेंस रहेगा 390। तो इसी हिसाब से आप अपना ट्रेड लीजिए, मार्केट में आप प्रॉफिट कमाइए फ्रेंड। मुझे आपके प्रॉफिट से मुझे कुछ मतलब नहीं है, कुछ शेयर नहीं चाहिए, मुझे शेयरिंग नहीं चाहिए उसमें। मुझे सिर्फ आपके द्वारा एक लाइक और सब्सक्राइब, अगर हो पाएगा आपके द्वारा दूसरों किसी दो जन या तीन जन को आप वीडियो शेयर करके इस चैनल का लिंक दे सकते हो, वो भी प्रॉफिट कमा सकें इसीलिए। तो चलिए और एक स्टॉक आपके लिए देना चाहता हूँ जो कंटिन्यूसली देता हूँ, उसी स्टॉक पर कल पैसा कमाएंगे, वो है आपका DLF। DLF का कल का सपोर्ट रहेगा 150 और रेसिस्टेंस रहेगा 155। अगर 150 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो नीचे का टारगेट 146 आ सकता है। अगर 155 के ऊपर सस्टेन करता है तो 160 आ सकता है। अगर 160 के ऊपर भी सस्टेन करता है 169 दूसरा टारगेट आ सकता है। पहला टारगेट बता देता हूँ, सपोर्ट बता देता हूँ। 150 का सपोर्ट के साथ टारगेट रहेगा नीचे का 146। अगर 155 रेसिस्टेंस के हिसाब से टारगेट रहेगा 160 169। तो पूरी सपोर्ट और रेसिस्टेंस की जानकारी वीडियो के स्क्रीन पे दिया हुआ है, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर लीजिए, आपको ट्रेड लेने में सुविधा होगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना जानकारी काफ़ी है मेरे हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए कुछ दूसरा स्टॉक जो आपका मनपसंद स्टॉक होगा उसी स्टॉक के बारे में अगर आपको कुछ लेवल्स चाहिए मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हो। तो अगर मेरे लाइव ट्रेडिंग अगर आप जानना चाहते हो, लाइव मार्केट में अगर आप कुछ स्टॉक आप जानना चाहते हो कैसा कौन सा स्टॉक में लेवल देता हूँ, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर आपको लाइव मार्केट में ट्रेड मिल सकता है। और कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, लेवल्स फाइंड आउट करके आपको प्रोवाइड करता हूँ जहाँ पे आपको एक बड़ा प्रॉफिट हो इसीलिए। तो फ्रेंड कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।